इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं ज्योति मिश्रा। उत्तर प्रदेश के चुनावी बिसात पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज खुलकर हिंदू मुसलमान कार्ड खेला। अतीक अहमद की पत्नी को AIMIM में शामिल करने के बाद ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के MY समीकरण पर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि 60 साल तक मुस्लिमों ने सबको जिताया, लेकिन अब बारी है खुद जीतने की। ओवैसी ने कहा कि अतीक मुख्तार बाहुबली हैं, लेकिन प्रज्ञा, संगीत, सुरेश और कुलदीप जैसे नाम वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ओवैसी ने जातीय जनगणना का भी समर्थन किया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में के मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा इंशाल्लाह। कब तक हम इनको खंडों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई कैदी हैं? देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए और सेंसस की बुनियाद पर ही तो आप पॉलिसी बनाते हैं ना। और भारत को आजाद होकर 70 साल हो गए तो सेंसस क्यों नहीं होगा OBC का, जब सेंसस में SC ST माइनॉरिटी, हिंदू नॉन हिंदू लिखा जाता है, रिजिडन गया, तो ये क्यों नहीं किया जाता? करना चाहिए, हम बराबर। और आखिरी बात, 50% का ये जो रिजर्वेशन है इसको खत्म करना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा, और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता, या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रा हो जाते। यूपी चुनाव में ओवैसी खुलम खुला हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर ने RSS की तुलना तालिबान से की थी। इन लोगों को RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आईना भी दिखाया। उन्होंने एक बार फिर देश को जोड़ने वाली बात कही। मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों के पूर्वज एक हैं, देश को आगे ले जाने के लिए सबका एकजुट होना जरूरी है। भागवत ने मुस्लिम नेताओं से कट्टरपंथ का विरोध करने की अपील भी की। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए हैं, जाते हैं। ये वहम उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है, इनके इसमें बताया है कि मारो, और देखो मार रहे। इधर भड़काया, उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगाया, और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। उपाय कहां होगा? इस पर मलम पट्टी करने से मूल से अपनी दृष्टि को बदलना होगा। वहीं RSS चीफ ने हिंदू मुसलमान को जोड़ने की एक और बात कही, लेकिन वोट बैंक के पॉलिटिक्स करने वालों को उनकी बात नागवार गुजरी। यूपी में चुनाव करीब हैं, मुस्लिम वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर मायावती, दोनों ने संघ प्रमुख के बयान को कम्युनल एंगल दिया। ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना, कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया।
तो हिस्ट्री में कमजोर है। तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें गुलवालकर और आपके सावरकर ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदर लैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी के रोशनी में उसी को रिट्रीट करते हुए मोहन भागवत ने बात कही है। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी या हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी आज मिशन 2022 का आगाज कर दिया। लखनऊ में पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन हुआ, जिसमें मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला। 2007 के कामयाब फॉर्मूले को 15 साल बाद फिर से दोहराने पर जोर दिया। मायावती का फोकस दलित और ब्राह्मण गठजोड़ पर है। ऐसे में उन्होंने पार्टी कैडर और खासकर ब्राह्मणों से किसी बहकावे में नहीं आने की अपील की। कुल मिलाकर मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी दिखी, जब उन्हें शंख त्रिशूल और भगवान गणेश की मूर्ति भेंट की गई, तो ब्राह्मणों ने जय सियाराम और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। प्रबुद्ध प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती ने क्या कहा, उनके भाषण की तीन बड़ी बातें भी आपको सुनवाते हैं। प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में वे प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया है। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है, तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। इस मामले में मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। अर्थात ये लोग एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अकलियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है, जो अभी भी जारी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।